नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेड पनीर रोल बनाएंगे। ये रोल बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इन्हें सुबह नाश्ते में या शाम को कभी भी बना करके खाया जा सकता है। तो आइए ब्रेड पनीर रोल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 6 ब्रेड ले लिए हैं, 150 ग्राम पनीर लिया है हमने क्रम्बल करके, 1 कप पनीर है और 1/4 कप कटे हुए शिमला मिर्च, 1/4 कप हरे मटर के दाने, 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला और 1/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे और तेल ब्रेड पनीर रोल तलने के लिए। सबसे पहले स्टफिंग बना करके तैयार करेंगे। तो ये पनीर है, इसको क्रम्बल कर लेंगे और पैन हमने गरम करने रख दिया है। पैन में 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है, मटर के दाने डाल देंगे, कटे हुए शिमला मिर्च डाल देंगे और हल्का सा इन्हें नरम होने तक भूनेंगे। साथ में ये अदरक भी डाल देते हैं, हरी मिर्च भी डाल देते हैं। ये हमने इनको थोड़ा सा कुक कर लिया और अब हम ये पनीर भी डाल देंगे। नमक डाल देंगे और चाट मसाला भी डाल देंगे। चाट मसाला में काफ़ी सारे मसाले होते हैं तो इसलिए फिर हमें और ज़्यादा मसाला डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर चाट मसाला नहीं डाल रहे हैं तो थोड़ी सी काली मिर्च ले लीजिए, थोड़ा धनिया पाउडर ले लीजिए और नमक थोड़ा सा और ज़्यादा ले लीजिएगा और थोड़ा सा नींबू का रस भी डाला जा सकता है। 2-3 मिनट इसी तरीके से पका लेंगे ताकि पनीर के अंदर जो थोड़ा सा वाटर होगा वो ड्राई हो जाए, यानी स्टफिंग हमारी ड्राई होनी चाहिए। पनीर में हमने हरे मटर के दाने, शिमला मिर्च मिलाया है तो अवेलेबिलिटी के अनुसार या अपनी पसंद के अनुसार इसमें गाजर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो वो सब्ज़ी पनीर के साथ डाल करके मिलाई जा सकती है। पनीर का मॉइस्चर सारा ख़त्म हो गया है, स्टफिंग ड्राई हो गई है और अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके मिक्स कर देंगे। गैस बंद कर देते हैं। हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। स्टफिंग को हम प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। ये ब्रेड जो हमने लिए हैं इनके हम किनारे काट लेंगे। हमने वाइट ब्रेड लिए हैं, ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। ब्रेड के किनारे काट करके हमने ब्रेड को तैयार कर लिया है, स्टफिंग तैयार है और इधर हमने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। तो अब हम रोल बनाते हैं। तो एक ब्रेड उठाएंगे और ब्रेड को पानी में भिगो करके निकाल लेंगे और बस निचोड़ देंगे इस तरीके से, एक्स्ट्रा पानी हटा देंगे। और इसके ऊपर हम 2 चम्मच स्टफिंग रख लेंगे, 2-2.5 चम्मच। और अब हम इसको रोल करेंगे। दोनों तरफ से हम इसे मोड़ देंगे और स्टफिंग को अच्छे तरीके से बंद करेंगे।
जो एक्स्ट्रा पानी होगा इस तरीके से दबा करके निकाल देंगे, किनारों को दबा करके पूरा रोल का शेप दे देंगे। ये हमारा रोल बनके तैयार हो गया। दूसरा, इसी तरीके से ब्रेड को हमने एक तरफ से दूसरी तरफ से डुबाया और पानी निचोड़ लिया, और अब हमने इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे। और अब रोल करने, ब्रेड टूट जाती है लेकिन जब हम चारों तरफ से इसे दबा करके और एकदम बाइंड कर देते हैं तो वो अच्छे तरीके से रोल हो जाती है। तेल गरम हो गया है और अब हम ये रोल तलते हैं, तो गरम तेल में रोल तलने के लिए डाल देंगे। ये रोल हम डीप फ्राई कर रहे हैं, इन्हें हम चाहें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ब्रेड रोल हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलकर निकाल लेंगे। सारे ब्रेड रोल इसी तरीके से बनाकर तैयार करने हैं। गर्मा गर्म क्रिस्पी ब्रेड पनीर रोल तैयार है। बहुत ही अच्छे ब्रेड पनीर रोल बने हैं और इन्हें आप गर्मा गर्म ही हरे धनिया की चटनी या टमाटो सॉस के साथ सर्व कीजिए। जब भी आपका मन हो ब्रेड पनीर रोल बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।